अलीगढ़ के श्रम विभाग में मजदूरों को दिए जाने वाले 1-1 हज़ार रुपये की सहायता राशि में बड़ा घोटाला सामने आया है। श्रम विभाग अलीगढ़ में तैनात एक निजी कंप्यूटर ऑपरेटर की ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की इस करतूत का खुलासा तब हुआ जब श्रमिकों ने इसकी शिकायत श्रम आयुक्त से की, लेकिन श्रम आयुक्त ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामला ऊपर तक पहुंचा तो बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित कर दिया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय सिंह। क्या मामला है? सर मैं रूम बनाने आया था, सर मुझसे लिए थे 320 रुपए। सर मैं बहुत परेशान हूँ और अभी तक मेरा पैसा कोई खाते में नहीं आया है। किस योजना के नाम पे लिए थे पैसे? सर ये सरकार की योजना से ही लिए थे सर। क्या सरकारी फीस थी कोई? ये सर जे हाँ सरकारी बोल रहे थे कि सरकारी फीस है इतनी। किस व्यक्ति ने लिए? सर नाम जितेंद्र। क्या नाम है? श्रीचंद। क्या मामला है? मैं रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने आया था श्रम विभाग में, और मैं बच्चे की दवा को वापस करके जब मैंने 300 रुपये का पेमेंट किया था और अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। 3 दिन में बैंक में घूम आया, बैंक से मालूम किया कि इसमें कोई आपका डिस्काउंट नहीं है, वो कोई बैलेंस नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। सरकारी फीस थी कोई इस रजिस्ट्रेशन कार्ड की? सरकारी फीस मतलब? तो 300 रुपये लिए गए, वो किस बात के लिए गए थे? वो रिन्यू के लिए लिए गए थे कि आपका काम हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा आपका। कितने रुपये लिए थे? 300 रुपये। असल में श्रम विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार जो निजी फर्म का कर्मचारी है, वह पैसे लेकर लोगों के ऐसे खातों में पैसे भेज रहा था जो पात्र भी नहीं है। कितने पैसे लिए थे आपने आपसे? साहब मुझसे जितेंद्र भाई, जितेंद्र कुमार के नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे 350 रुपये लिए। जितेंद्र सिंह 350 रुपये? 350 रुपये जितेंद्र कुमार जी ने लिए। 350 रुपये जितेंद्र कुमार जी ने लिए। कितने पैसे लिए थे आपसे? साहब 350 रुपये पहले लिए हैं और 200 रुपये की आप और दोबारा मांग करिए। 350 रुपये लिए सर। 350 रुपये लिए जितेंद्र सिंह। 350 रुपये लिए जितेंद्र जी। 350 रुपये लिए थे जितेंद्र जी। श्रम विभाग के कार्यालय में 300 रुपए लेकर 1-1 हज़ार रुपए खाते में ट्रांसफर करने के मामले की शिकायत जब मजदूरों ने श्रम आयुक्त से की तो उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। आखिरकार मामले में बोर्ड को दखल देना पड़ा और निजी संविदा कर्मी को हटा दिया गया।